वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेसन का थेपला। ये एक गुजराती डिश है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए बारीक कटे हुए पालक, बारीक कटी हुई मेथी, ये आपको चाहिए धनिया, लहसुन, अदरक, बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, तेल। मसालों में आपको चाहिए होगा जीरा, लाल मिर्च, गर्म मसाला, हल्दी और नमक। आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप चाहें तो सिर्फ पालक का भी बना सकते हैं या सिर्फ मेथी का भी बना सकते हैं। मैं मिक्स यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे और टेस्टी लगता है। तो आपको बता देती हूँ कि हमें भूनना कैसे है इसे। क्या करना है, पालक लेनी है और मेथी लेनी है थोड़ी सी, और आटा आपको बेसन का जो है मिक्स करना है इस तरह से। इसमें सारे मसाले डाल लें, मिर्ची, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला। आपको मिर्ची डाल लेनी है, लहसुन, अदरक, धनिया। अब आपको इसे भूनना है। ये देखिए आपका भी भून चुका है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। एक साइड आप लोग गैस भी ऑन कर लीजिए और तवा चढ़ा दीजिए। मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी। आप घी भी डाल दीजिए तवे में ताकि वो थोड़ी देर गर्म हो जाए जब तक मैं इसे बेलूंगी इस तरह से। अब इसे बेल लेते हैं। अगर आपको बेलना नहीं है तो आप हाथों से भी यूज कर सकते हैं इसे। लाइक अगर आप इस तरह से गोल गोल इसे करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा। अब ये बेल रहा है, ऑलमोस्ट बेल चुका है। ये देखिए, ध्यान रहे आपका ये चिपकना नहीं चाहिए। अब हम इसे तवे पे डाल देते हैं इस तरह से। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको दोनों तरफ से पकाना है। वेट करते हैं, इसमें 2 या 3 मिनट लगे। अभी सिक चुका है दोनों तरफ से, देखिए। ठीक है, आपका यह थेपला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत इजी है। आप इसे चटनी के साथ, दाल के साथ या छोलों के साथ खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। या चाय के साथ भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।